الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد گزشتہ درس کے اندر بات شروع ہوئی تھی ایک نئی کہانی کی और ये कहानी इस कहानी के अंदर बहुत सारे एनिमल बहुत सारे जानवर इसमें शरीक हैं लेकिन मेन तौर पर ये कहानी दो लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। वो है एक अरनब यानी कि खरगोश और शेर असद। तो अरनब और असद ये दोनों इन दोनों के मोटे तौर पर या मेन तौर पर ये लोग क्या है इस कहानी के अंदर अपना किरदार अदा करें और कई सारे जानवर उसमें हैं। और ये कहानी सुना रहा है दिमना। किसको सुना रहा है? कलीला को सुना रहा है। जब कलीला ने कहा कि शतबा को तुम कैसे पीछे पछाड़ सकते हो, वो ज़्यादा ताकतवर है, उसके पास सूझबूझ भी है, तो दिमना ने कहा कि ठीक बात है तुम कह रहे हो कि, लेकिन मेरे पास जो सूझबूझ है वो शतबा से कहीं ज़्यादा है और मेरी सूझबूझ की तारीफ़ खुद शतबा ने की है। खुद शतबा यानी कि जो बैल है वो खुद मेरी सूझबूझ मेरी अकलमंदी या दानिशमंदी का वो इतराफ़ कर चुका है, तो मैं उससे बढ़कर हूँ सूझबूझ में अकलमंदी में और मैं अपनी इस अकलमंदी के ज़रिए से उस शतरबा को मारूंगा, उसको ख़त्म करूंगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक खरगोश ने, जो कि एक छोटा सा खरगोश है, एक बड़े से जानवर को जो कि शेर है उसको ख़त्म कर दिया था, उसका काम तमाम कर दिया था अपनी सूझबूझ के ज़रिए से, अपनी अकलमंदी और दानिशमंदी के ज़रिए से। तो फिर यहीं से बात शुरू हुई थी। यहाँ आखिर में जो फिर पूछा था उसने, कलीला ने पूछा था, वकीफ़ का नज़ारी का, और ये कैसे था यानी कि एक खरगोश ने एक शेर को कैसे मार दिया था। तो वहीं पर बात चल रही थी कि तो उसके जवाब में दिमना ने यह कहानी बयान करनी शुरू की थी। उसने कहा था कि एक सरजमीन थी जिसमें बहुत ज़्यादा पानी और घास थे और उस सरजमीन के अंदर बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे, बहुत सारे जानवर रहते थे, लेकिन वो सारे जानवर उस घास से, उस पानी और उस सरसब्ज घास से इस्तेफादा नहीं कर पा रहे थे, मतलब खुलकर उसे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर एक शेर रहता था, जो शेर इनको देखता तो इनका शिकार कर लेता, तो ये लोग उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो सारे जंगली जानवर क्या है इकट्ठा हुए और सब ने आपस में एक मीटिंग बुलाई, सब ने सारे जानवर बैठे और उन्होंने मीटिंग की कि कोई ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे क्या है हम आराम से, इतने देखो इतना ज़्यादा पानी है, अच्छा सा पानी है, हरी भरी सब घास हैं हर तरफ, इससे हम लोग क्या है फ़ायदा भी नहीं उठा पा रहे हैं, तो कोई प्लान बनाते हैं जो जिससे क्या है हम क्या है इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इस एक मीटिंग इस मौजू पर, इस टॉपिक पर एक मीटिंग बैठी सारे जंगली जानवरों की और उन्होंने आखिर में फ़ाइनली ये डिसीज़न उन्होंने लिया या उसमें यह फ़ैसला हुआ कि जो है हर रोज़ हम लोग क्या है आपस में कुरान करेंगे और कि मतलब आज शेर के पास कौन जाएगा और शेर उसको खाएगा, शेर का वो नाश्ता बनेगा या शेर का भोजन या उसका खाना बनेगा। जानवरों ने इसी पर मतलब जो है क्या कि इसी पर बात तय हुई कि डेली हम लोग आपस में कुरान निकालेंगे और जिसके नाम पर कुरान निकलेगा वो आदमी जाएगा, उसको हमें से कोई दूसरा उसको लेकर के जाएगा शेर के पास और शेर उसको खाएगा, उससे नाश्ता करेगा और इस तरह से शेर यहाँ इधर हमारे एरिया में नहीं आएगा और हम क्या है मुतमईन होकर के इस पानी पियेंगे और घास को खाएंगे, सब आराम से रहेंगे। तो इस पर बात तय हो गई और इस प्लान की या इस उनकी जो ये प्लान था इसकी खबर उन्होंने जा करके शेर को दी। शेर ने काफ़ी समझा, गौर किया तो कहा ठीक है अगर, लेकिन तुम लोग क्या है अपने इस प्लान पर कायम रहना, अपने इस जो तुमने कहा है कि एक एक जानवर डेली भेजा करेंगे तो इसको तुम फॉलो करना अच्छे से और अगर नहीं तो अंजाम तुम्हारा बहुत बुरा होगा। तो सब ने कहा कि ठीक है हम इसको फॉलो करेंगे, हम इसी पर चलेंगे और डेली एक जानवर हम भेजा करेंगे आपके यहाँ। तो वैसे क्या है वो जानवर डेली ये सारे जानवर अपने आप में कुरान निकालते, कुरानदाजी करते और जिसका नाम पे कुरान निकलता उसको क्या है वो भेज देते और शेर उसको खाता। इस तरह से चलता रहा कुछ दिन तक। एक दिन मसला एक कुरान निकल आया खरगोश के नाम से कुरान निकल आया कि अब खरगोश आज शेर का खाना बनेगा, आज खरगोश को शेर खाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो, तो खरगोश ने जानवरों से कहा कि भाई ठीक है भेज रहे हो मुझे कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक छोटी सी अपील है और वो ये है कि तुम लोग जिसको मैं
मेरे साथ भेजोगे जिस जानवर को, यानी कि जो मुझको लेकर के शेर के पास जाएगा, तो उससे थोड़ा सा कह देना कि मैं अगर थोड़ा सा बीच में कहीं लेट हो जाऊं तो मुझे लेट होने दे, यानी कि थोड़ा मैं सुस्ती से चलूं, आहिस्ता से चलूं, कि मैं थोड़ा ताखीर करूं, तो मुझे उस ताखीर की इजाज़त दे वो जो मुझे लेकर के जाएगा। जानवर ने कहा कि ठीक है। और उसने खरगोश ने भी कहा था कि अगर ऐसा तुम करोगे, मतलब अगर वो इतना मुझे, तो इसमें मैं एक ऐसा मतलब तरीका अपनाऊंगा कि जिसमें क्या है तुम सब के लिए हमेशा हमेशा के लिए क्या है भलाई होगी, और मैं तुम्हें शेर से क्या है निजात दिला दूंगा। तो सब ने कहा ठीक है। तो जो आदमी लेकर के गया उसके पास, तो अपने प्लान के मुताबिक खरगोश क्या है थोड़ा सा स्लो हो गया, जहाँ शेर के यहाँ पहुँचने में थोड़ा आहिस्ता हो गया, और शेर के खाने का जो टाइम था जिस पर खरगोश को पहुंचना था एग्जैक्ट उस टाइम पर, तो वो टाइम क्या है शेर का खाने का टाइम निकल गया। अब इधर शेर काफ़ी गुस्सा हो रहा है कि खाने का टाइम हो गया, अभी जानवरों की जानब जो जानवरों ने जो सुलह की है, मुआहदा किया है, उसके अतबार से अभी तक कोई जानवर आया नहीं, काफ़ी गुस्सा है। तो टाइम निकलने के बाद, काफ़ी देर के बाद, फिर खरगोश जो है पहुंचा शेर के यहाँ। अभी फिर शेर ने गुस्से में पूछा कि तुम कहाँ थे, उसको जो पूछा कि तुम कहाँ थे, तो खरगोश ने कहा कि देखिए गुस्सा मत होइए, मैं आपको सारे सूरत हाल बताता हूँ कि क्या क्या मसला होता, क्या क्या हुआ है जिसकी वजह से मैं क्या है लेट हुआ हूँ, ताखिर हुआ हूँ। दर हकीकत मुझे रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया, और वो शेर मेरे ऊपर झपट पड़ा खाने के लिए। तो मैंने उससे कहा कि देखिए आप मुझे नहीं खा सकते, क्योंकि मैं एक शेर के पास जा रहा हूँ, मैं उसका खाना हूँ, उसका भोजन हूँ, वो शेर मुझे खाएगा, आप नहीं खा सकते मुझे। और जब मैंने, खरगोश कह रहा है, जब मैंने रास्ते में जिस शेर से मिला था, जो उससे मैंने कहा कि देखिए आप नहीं खा सकते क्योंकि आप कोई अपने, मैं दूसरे शेर का खाना हूँ, ऐसा वैसा हूँ, तो उस शेर ने बहुत ज़्यादा आपको गालियाँ दी, आपको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा, और कहा कि अरे वो कौन सा शेर है, वो कैसे मुझसे बढ़ करके कैसे हो सकता है, कौन सा है, और उसको बहुत ज़्यादा गालियाँ दी। और मैं उससे बच करके भाग करके निकल आया, आपके पास फ़ौरन आकर के पहुँचा ताकि मैं आपको खबर दूँ उसके बारे में। तो शेर ने कहा कि ठीक है बताओ वो कौन सा शेर है जो मुझ पर ज़बान तराजी कर रहा है, जो इतना उसके अंदर हिम्मत और जुरत कैसे हो गई। तो खरगोश, उसकी जगह मुझे बतलाओ, वो कहाँ पर है, कहाँ पर तुम्हें मिला था, वो कहाँ रहता है, उसके बारे में चलो मुझे दिखाओ उसको जो है। तो ये खरगोश उस शेर, इस शेर को ले करके गया उस शेर को दिखाने के लिए। हालांकि वो शेर नहीं, जो रास्ते में जो शेर मिला था वो कोई शेर और नहीं मिला था इस खरगोश को, बस खरगोश की चालाकी उसकी थी, चतुराई थी, क्योंकि झूठ बोला था कि रास्ते में मुझे शेर मिल गया था, कोई शेर नहीं मिला था रास्ते में। तो खरगोश ने क्या किया, इस शेर को ले करके गया दिखाने के लिए, जैसा कि बात इसने कही थी उस एतबार से, और ले करके गया एक कुएं के पास, और कुएं में पानी था, अच्छा खासा पानी था, कि उसमें जो गिरेगा वो डूब जाएगा, डूबा भर का पानी था। शेर को कहा कि आइए जनाब देखिए, वो शेर जो मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर, देखिए झांके पानी के अंदर देखिए। तो शेर ने क्या किया, और खरगोश भी झांक के देख रहा है, तो दोनों झांक करके देख रहे हैं कुएं में। तो दरहकीकत कुएं में, सही बात है कि उसकी जो अक्स है, जो को परछाई है, शेर का अक्स बिल्कुल पानी में दिखाई दे रहा है, कि बिल्कुल पानी में एक शेर है, और खरगोश भी दिखाई दे रहा है भी कि एक खरगोश है पानी के अंदर। तो कहा देखिए यही है, यही शेर है जिसने क्या है ऐसा जो है किया था। तो उसमें जो है शेर ने देखा झांक करके, तो उसमें देखा कि एक भारी भरकम शेर वहाँ पर है पानी में दिख रहा है, और उसके साथ एक खरगोश भी कोई है, लग रहा है कि उसको खाने के लिए या किसी और मकसद के लिए उसने पकड़ा हुआ है या खा रहा है, जो भी हो। तो शेर ने देखा, शेर को यकीन हो गया। उसके बाद जो क्या है, जब शेर ने ये देखा कि भाई भारी भरकम शेर है, उसको जोश आ गया, गुस्सा गुस्सा आ गया। फिर ये शेर क्या हुआ, उस दूसरे वाले शेर पर जो कि पानी में, जो कि शेर नहीं है, उसी का अक्स है, उसी की परछाई है, उस पर क्या है कूद पड़ा जोश में आकर के, कि चाहे इस पर हमला करता हूँ, और पानी में कूदा। तो पानी में कूदने के बाद फिर वो पानी है उसमें कुछ भी नहीं शेर हो रहा है, वो उसमें डूबने लगा वो, और खरगोश भाग करके फिर जानवरों के पास आया, और उनको बताया कि देखो मैंने शेर जो अभी तक तुम्हारे लिए मुसीबत बना हुआ था, मैंने उसका काम ख़त्म कर दिया है, तमाम कर दिया है, और उनको पूरी कहानी बताई, और सारे जानवर क्या है इस तरह से फिर खुशी खुशी उन पानी और हरी भरी घास में क्या है चरने लगे, आराम से रहने लगे।
जो यहाँ पर सूरत बनाई हुई पिक्चर बनाई हुई है, इसे पिक्चर किताब की खासियत यह है कि इसमें पिक्चर बड़ा बना करके जो है समझाने की कोशिश की जा रही है बात को। तो यहाँ पर देखते हैं ये जो है पहला वाला जो है ये जो शेर है, ये शेर है, एक कुआं है और खरगोश जो है ये शेर को यहीं ला करके यहाँ आया हुआ, झूठ बोल करके यहीं लाया कि देखो। और ये जो परछाई दिख रही है, शेर की परछाई दिख रही है, शेर ने समझा हकीकत में ये सही बोल रहा है खरगोश, और इस पर जंप लगाई। जंप लगाने के बाद फिर दूसरे वाला जो पिक्चर है इसमें देखते हैं कि शेर यहाँ डूब रहा है, निकलने की इस्तेआत नहीं रख रहा है, खरगोश भाग रहा है नजात पा करके, छुटकारा पा करके, और भागते भागते जानवरों के पास जाएगा और बताएगा कि मैंने काम तमाम कर दिया है। यहाँ इस कहानी में हुआ कि एक छोटा सा जानवर अपनी चतुराई से, अपनी बात, अपनी होशियारी से क्या है, एक बड़े से जानवर, अपनी खरगोश छोटा सा है, शेर बड़ा सा है, इसको अपनी सूझबूझ और चतुराई से क्या है ख़त्म कर देता है। दिमना का कहना है कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो चतुराई है, जो दानिशमंदी है, जो होशियारी है, वो शत्रुबा के पास नहीं है। शत्रुबा ने इस बात का एतराफ़ भी किया है मेरे सामने, तो मैं भी शत्रुबा को ख़त्म कर दूंगा। कहानी यहीं पर चल रही थी, ये वाला हम बात पढ़ते वक्त तो बात हुई उसकी जो है, यहाँ पर जो है बात चल रही थी कि यहाँ पर ये है कि बहुत सारे घास हैं, उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे, यहाँ तक हम पीछे पड़ चुके थे। तो यहाँ पर जो है जो इन्होंने फैसला किया, जो इन्होंने जो राय अपनाई, वो यहाँ से बात चल रही है, जो मैंने बताया कि इन्होंने एक राय अख्तियार की, यानी कि मशवरा करने के बाद। तो जानवर कह रहे हैं कि वक़द रायना लगा रायन, यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा और वाज हो जाएगा। फजतमात, तो ये सारे जानवर इकट्ठा हुए, इन्होंने ना मीटिंग बुलाई, हुआ आता तिल असद, और इकट्ठा होने के बाद ये शेर के पास आए, मीटिंग करने के बाद शेर के पास आए। फ़कालत लहू, और इन जानवरों ने उस शेर से कहा, इन्नका लतुसीबु मिन्ना अद्दा बतबाद अलजहदी वत्ताबी, यकीनन आप हम में से एक जानवर को पाते हैं थकावट, थकावट और मशक्क़त के बाद, यानी कि जहद माने बहुत ज़्यादा मेहनत करना, तो मेहनत और थकावट के बाद जो है आप हम में से एक जानवर को हासिल कर पाते हैं। वक़द रायना लक रायन फ़ीह सलाहुन लक व अमन लना, और हमने आपके लिए एक राय या एक मशवरे को जो है मुनासिब समझा, मैंने आपके आपको एक राय, एक मशवरा देना मुनासिब समझा है, तो ये माना हो जाएगा वक़द रायना लक रायन, और हमने आपके लिए एक राय तलाश किया है जिस राय के अंदर सलाहुन लक आपके लिए बेहतरी है, वह अमन लना और हमारी उसमें क्या है हिफाजत है। तो यहाँ पर है कि एक राय हमने क्या है तलाश की है जिसके अंदर क्या है आपके लिए बेहतरी है और उसमें हमारे लिए साथ साथ भी क्या है अमन है, हम हिफाजत है। तो वो राय फिर है कि फ़ैन अंत अमन तना वलम तुखिफना फ़लक अलैना, और उस राय की अब यहाँ पर जानवर वजाहत कर रहे हैं, कह रहे कि फ़ैन अंत अमन तना, अगर आप हमें महफूज करार दे दें, मामून करार दे दें, हमें कोई डर ना हो आपकी जानिब से, वलम तुखिफना, तो ये अगर बस अगर आप हमें मामून कर दें, मामून करार दे दें, वलम तुखिफना और हमें आप डराएं ना, फ़लक अलैना फ़ी कुल यौमिन दाब्बा, तो आपके लिए होगा हमारे ऊपर हर रोज़ एक जानवर, यानी कि आपके लिए हमारे ऊपर हर रोज़ एक जानवर होगा जिस जानवर को हम आपके पास भेजेंगे, फ़ी वक्त गदाई का, आपके दोपहर के खाने के वक्त में। गदा कहते हैं दोपहर का खाना, और दोपहर का खाना, और अशा कहते हैं शाम का खाना, अशा बिफतिल एन अल अशा, अशा होता है शाम का खाना और गदा दोपहर का खाना, यानी कि गदा लंच होता है, अशा क्या होता है डिनर होता है, फ़ुतूर जो नाश्ता होता है उसको फ़ुतूर कहते हैं। तो ये वजबतुल गदा, अगर हम उसको और ज़्यादा कहेंगे तो वजबतुल गदा यानी कि दोपहर का खाना, वजबतुल आशा शाम का खाना, वजबतुल फुतूर नाश्ते का खाना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जानवरों ने इन्हें ये बात कही, फ़र्ज़ अल असद बिदालिका, तो शेर इस चीज़ से राज़ी हो गया, यानी कि ये जो पलान या जो मशवरा ये जो राय जानवरों ने शेर को दी, तो ये शेर क्या है इस चीज़ से राज़ी हो गया। वसालह अलवहूश अलैहि, और जानो और वसालह ऐ वसालह अल असदु अलवहूश अलैहि अलैहि ऐ अला हादर राय, और शेर ने जानवरों से इस चीज़ पर क्या है इत्तेफाक कर लिया, मुसालहत कर ली। उसके बाद क्या है, वो वफ़ीना लहू बिही, और इन जानवरों ने उसके लिए इसको वफादारी से निभाया, यानी कि जो राय जानवरों ने, ये बात जो जानवरों ने कही थी, तो इसको जानवरों ने पूरा भी किया। तो मानो जगह वफा यफी बना था पूरा करना, वफ़ैना वफ़ैना लहू बिही, और उन जानवरों ने उसके लिए इस चीज़ को पूरा किया। सुम्मा इन अरनबन असाबत अलकुरा, फिर एक खरगोश के नाम से कुरआन निकला, लफ्ज़ी माने क्या हो गया, फिर यकीनन एक खरगोश को लाहिक हुआ कुरआन। असाब यूसी वो मैंने होता है किसी चीज़ को लाहिक होना है, किसी लाहिक होना।
तो उसको लाहिक हुआ कुरआन, यानी कि उसके नाम से कुरआन निकला। फिर एक खरगोश के नाम से कुरआन निकला, यानी कि कुरानदाजी की जाती थी हर रोज़, जिसके नाम से कुरआन निकल रहा था वो शेर के पास जाता था। वसारत गदा अल असदी, और ये खरगोश शेर का भोजन बन गया, यानी कि शेर का खाना बन गया, यानी कि अब ये शेर इसको खाएगा ही। फ़कालत लिलवहूशी, तो इस खरगोश ने जंगली जानवरों से कहा, इन अंतुन्ना रफ़क्तुन्ना बी फ़ीमा ला यदुर्रुकुम ला यदुर्रुकुन्ना रजऊतु अन उरीहकुन्ना मिनल असदी, इन अंतुन्ना रफ़क्तुन्ना बी फ़ीमा ला यदुर्रुकुन्ना। इन यहाँ पर क्या है, अदात शर्त है, और उसके बाद देखे जुमला है, इन अंतुन्ना रफ़क्तुन्ना बी फ़ीमा ला यदुर्रुकुन्ना, ये पूरा का पूरा जुमलतुल शर्त है। रजऊतु अन उरीहकुन्ना मिनल असदी, ये जुमलतुल जज़ा है या जुमलतुल जवाब है। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा तेज़ी से पढ़ने की कोशिश करें। कह रहे कि इन अंतुन्ना रफ़क्तुन्ना बी, अगर तुम लोग मेरे साथ नरमी बरतो, और रफ़क़ा माने होता है रफ़क़ा भी किसी के साथ नरमी बरतना, नरमी से पेश आना। तो अगर तुम लोग मेरे साथ नरमी बरतो एक ऐसे मामले में जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, यानी कि जिस मामले जो मामला है कि जिस मामले में तुम मेरे साथ नरमी बरतोगे वो तुम्हें कोई भी उससे तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो कही कह रहा है कि इन अनशेर खरगोश कह रहा है कि अगर तुम लोग मेरे साथ नरमी बरतो एक ऐसी चीज़ के अंदर जो चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगी, रजऊत हो, तो मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें नजात दिला दूंगा मिनल असदी, उस शेर से जो शेर हमें से डेली एक जानवर को खाता है। तो उन्होंने कहा फ़कालत, ये फिर फ़कालत अलवहूशु, तो जंगली जानवरों ने कहा, व मल्लदी तुकल्लिफीनना मिनल उमूरी, वमा अल्लदी तुकल्लिफीनना मिनल उमूरी, तो और वो कौन सी चीज़ है जिसको जिसका तुम हम लोगों को मुकल्लफ बना रहे हो, यानी कि कौन सी चीज़ है जिसके बारे में तुम कह रहे हो जो है कि मैं उसमें क्या है तुम्हारे साथ नरमी बरतूँ। तो ये माना हो जाएगा वमा अल्लदी, और वो कौन सी चीज़ है जिसका तुम मुझे हम लोगों को मुकल्लफ बना रहे हो, यानी मुआमलात में से। तो वमा अल्लदी तुकल्लिफीनहु मिनल उमूर, तो माँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, माँ इसमें इस्तेफ़ाम है और ये साथ में क्या है मुब्तदा हो जाएगा, अल्लदी यहाँ पर क्या है इसमें मौसूल है, तो कल्लिफी ना ना ये क्या है, ये इसका क्या है, ये सिला है, मौसूल के बाद सिला आता है, तो कल्लिफी ना, तो कल्लिफी ना ना, पहला तो कल्लिफी ना क्या है, ये फिल मुजारे है वाहिद मुन्ना साजिर का सेगा, और दूसरा जो ना लगा हुआ है नून और अलिफ ये ज़मीर है जमा की, तो कल्लिफी ना ना, तो यहाँ से तुकल्लिफीना, इसमें जो यह आखिर में लगी हुई है यही इसका फ़ाइल है, और मिनल उमूरी ये बयान है, अल्लज़ी इसमें मौसूल का जो यहाँ पर है, यानी कि वमा अल्लज़ी वमा अल्लज़ी, और वो कौन सा मामला है जिसका तुम हमें मुकल्लफ बना रहे हो। तो यहाँ पर जो मा इसमें इस्लाम है ये मुब्तदा हो जाएगा, और अल्लज़ी इसमें मौसूल, और तुकल्लिफीना ये क्या उसका सिला हो जाएगा, मिनल उमूरी ये बयान हो जाएगा अल्लज़ी का। इस तरह से इस मफूल अपने इस माँ बाद पूरे से मिल करके ये खबर हो जाएगी माँ इसमें इस्तेफाम की, इसमें इस्तेफाम अपने इसमें इस्तेफाम जो कि मुब्तदा है अपने इस मौसूल सला अपने इस खबर से मिल करके जुमला इसमें खबरिया हो जाएगा। कालत, तो खरगोश ने कहा था, अमरना अल्लज़ी यंतलिक़ु बी इलल असद अन युहिलनी, तुम हुक्म दो, यानी कि तुम हुक्म दो, तुम कहो उससे, अल्लज़ी यंतलिक़ु बी, जो मुझको ले करके जाएगा, इलल असद शेर के पास। तो एक रिक्वेस्ट की यहाँ पर क्या है खरगोश ने जानवरों के सामने या जानवरों से कि जो जो मुझे लेकर के शेर के पास जाएगा तुम उससे थोड़ा सा एक बात कहो। तो ये करके कालत तअमुरना अल्लज़ी यंतलिक़ु बी, उसने कहा यानी कि किसने कहा है, कालत ए कालतिल अरनब, खरगोश ने कहा तअमुरना, तुम हुक्म दो, अल्लज़ी यंतलिक़ु बी, उसको जो मुझे लेकर के जाएगा, इलल असदी शेर के पास, किस चीज़ का हुक्म दो, अन युमहिलनी रईसमा उब्तिया अलैहि बादल इब्तिया, ये अमहला युमहिलु इमहालन, इसका माना होता है मोहलत देना, मोहलत देना कुछ फुर्सत का कुछ मौका देना, कुछ फुर्सत मुहैया करना, ये माना है अमहला युमहिलु का। और यहाँ पर रईसा जो है इसका माना है मिकदार, यानी कि यहाँ पर आता है मिकदार मिनल वक्त, यानी कि वक्त का एक मिकदार, तो मिकदार ये रईसा हो जाएगा। और इसके बाद जो आखिर में माँ लगा हुआ है ये माँ ये मसदरिया है, मा यहाँ पर मजदरिया है, जी तो यहाँ पर जो है ये माँ मजदरिया है जो कि रईसा के बाद है माँ, और ये माँ मजदरिया क्या करेगा, अपने माँ बाद जो फेल है उसको मस्दर की तावील में कर देगा।
और फिर ये रईसा मुजाफ हो जाएगा और उसका माँ बाप मुजाफ इले हो जाएगा, और इस तरह से ये रईसा अब अपने मुजाफ इले के साथ मिल करके ये ज़र्फ़ हो जाएगा युमहिला फेल का, जो कि मंसूब है अन की वजह से। इसको फिर आगे पढ़ेंगे जुमले को, इंशाल्लाह इसी पर इत्तेफाक करते हैं। फिर मिलते हैं अगले दर्स।